नुस्खे देसी चैनल में आपका स्वागत है। तनाव या स्ट्रेस से हर व्यक्ति जूझता है। यह हमारे मन से संबंधी रोग होता है। हमारी मन स्थिति अब बाहरी परिस्थिति के बीच असंतुलन अब समाजस्या ने बनने के कारण तनाव उत्पन्न होता है। तनाव के कारण व्यक्ति में अनेक मनोविकार पैदा होते हैं। वह हमेशा अशांत अब अस्थिर रहता है। तनाव एक दंड की तरह है जो व्यक्ति के मन अब भावनाओं में अस्थिरता पैदा करता है। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति कभी भी किसी भी काम में एकाग्र नहीं हो पाता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता पर नकारात्मकता प्रभाव पड़ता है। सामान्य दिनचर्या में थोड़ी मात्रा में तनाव होना परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि इतना तनाव सामान्य व्यक्ति के विकास के आवश्यक होता है। परंतु यह यदि हमारे भावनात्मक और शारीरिक जीवन का हिस्सा बन जाए तो खतरनाक साबित हो सकता है। आयुर्वेदिक औषधियाँ व्यक्ति को शारीरिक अव मानसिक रूप से स्वस्थ बनाती हैं, अब व्यक्ति को ऊर्जावान बनाती हैं। इनके सेवन से रोगी के शरीर में कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। आइए जानते हैं इनके बारे में। काजू के सेवन से डिप्रेशन से मिलती है राहत। 4 से 6 काजू को पीसकर 1 कप दूध में मिलाकर पीने से डिप्रेशन का असर कुछ हद तक कम होता है। बेर के सेवन से डिप्रेशन से मिलती है राहत। 4 से 5 बेर के फल लेकर उनमें से बीज निकाल दें और उसको पीसकर इसका रस निकाल लें। अब इस रस में 1/2 चम्मच जायफल को पीसकर मिला लें और दिन में 2 बार इसका सेवन करें। ब्रह्मी के सेवन से डिप्रेशन से मिलती है राहत। 1 चम्मच ब्रह्मी और 1 चम्मच अश्वगंधा के पाउडर को 1 गिलास पानी में मिलाकर रोज इसका सेवन करें। नींबू के मिश्रण के सेवन से डिप्रेशन से मिलती है राहत। 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच शहद, 2 कप पानी, इन सबको एक बर्तन में मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें और इसे पी लें। नियमित रूप से इसके सेवन से अवसाद से निकलने में मदद मिलती है। सेब के सेवन से डिप्रेशन से मिलती है राहत। सुबह उठकर खाली पेट सेब खाएं। यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य को तो बेहतर रखता ही है, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। इलायची के सेवन से डिप्रेशन से मिलती है राहत। 2 से 3 इलायची को पीसकर 1 गिलास पानी में उबालकर पी लें, या फिर हर्बल चाय में इलायची डालकर पिएं। यह थे डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए आसान और घरेलू उपाय। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइक करो और फॉलो करो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। अगली बार हम फिर से नए देसी नुस्खे के साथ होंगे आपके सामने। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।